पांच सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक कर निगम पार्क से विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। रैली में विभिन्न जिलों से आई भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा, ये एक दिवसीय रैली है आज, जो सभी कई संगठन हमारे आंगनवाड़ी संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज ये कार्यक्रम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिनांक 6 जून 2018 को एक ऐसी वार्ता हुई थी जिसमें सभी अधिकारी और कई संगठन के पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एनेक्सी भवन में वार्ता की और उन्होंने उस समय ये कहा कि आप लोगों के मानदेय शीघ्र 8,000 से 10,000 के बीच किया जाएगा, लेकिन अब तक 7 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मानदेय बढ़ोतरी का कोई ठोस निर्णय नहीं हम लोगों के सामने आया, ना तो उनके तरफ से घोषणा हुई, ना राजज्ञा जारी हुआ और लोकसभा चुनाव का लगभग फरवरी के शुरुआत तक अभी अध्यादेश जारी हो जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय नहीं बढ़े, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफी निराशा और आक्रोश है। तो इसलिए आज यह एक दिवसीय हमारा प्रदेश व्यापी यह हड़ताल है और आज रैली निकाल करके जिला मुख्यालयों पर, जैसा कि आज गोरखपुर जनपद में जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित अपना मांग पत्र भेजा जाएगा, उसी के संबंध में आज ये रैली निकाले जा रही है।